Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Shavasti and यार hope करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो guys आज हम लोग part B discuss करने वाले हैं हमारे chapter globalization का, जो कि हमारी world politics का last chapter है. And today in this video we will be covering these topics, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा topic है वो है cultural consequences. अभी हमने last video में देखा था political and economic consequences. अब हम देखते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो कि हमारे घर में डे टू डे देखने को मिलता है ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो हमने जैसा कि यूएस हेजिमनी चैप्टर में पढ़ा था, जो कि इस साल हटा दिया गया है, बट उसका कुछ पार्ट रह गया है जो हमारा सेकंड चैप्टर में है, एंड ऑफ बायपोलैरिटी में. तो यूएस हेजिमनी के थ्रू हमें ये जानने को मिलता है कि किस तरह से एक डोमिनेंट कंट्री सॉफ्ट पावर के थ्रू भी डोमिनेट कर लेती है. सॉफ्ट पावर कैसी होती है? सॉफ्ट पावर मीन्स आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजिकल वॉर या फिर आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन. अब आप देख लीजिए कि ब्लू जीन्स कितनी ज़्यादा पहनी जाती है, प्रिवेलेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो वो किसका एग्जांपल है? एक सॉफ्ट पावर का, यूएस की. सेम गोज विद द बर्गर, कहाँ का डोमिनेंट है? यूएस का, और वो पूरे वर्ल्ड अडॉप्ट करता है उसे. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वर्ल्ड को व्हेन इट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन, और उसी की आइडियोलॉजी ज़्यादा एम्फसाइज करती है, ये ज़्यादा प्रिवेलेंट रहती है जो कि डोमिनेंट कंट्री होती है. और यूएस की तो डोमिनेंस हम सबको पता है कि एक हेजिमेनिक कंट्री है, मींस द कंट्री विच ओवर पावर्स अदर ऑल कंट्रीज. सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है आज की डेट में? यूएस के पास है. चलिए इस टॉपिक को और डीपली जानते हैं थ्रू कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. सो ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन. तो होमोजेनाइजेशन मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर भी एक होते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के. अगर हम देखें पूरा वर्ल्ड वेस्टर्नाइजेशन को ही ग्लोबलाइजेशन मानने लग रहा है और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, चाहे वो पेन से लेकर कार्स तक ही क्यों ना हो. जो यूएस में या फिर वेस्टर्न कल्चर में प्रिवेलेंट है वही चीज़ें दूसरी कंट्रीज भी अडॉप्ट कर रही हैं. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड आज की डेट में ज़्यादा डोमिनेंट है. इसके बाद द कल्चर ऑफ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इन इम्प्रिंट ऑन अ लेस पावरफुल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर वॉन्ट इज टू लुक सेम. मतलब कि जो एक डोमिनेंट कंट्री है वो वैसे ही वर्ल्ड को बना सकती है जैसा कि वो चाहती है, तो उसी की वजह से पूरा वर्ल्ड उसी की तरह होता जा रहा है और इसी की वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है. आज की डेट में लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब ही वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, जबकि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट. ग्लोबलाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट अ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का साइन नहीं है वेस्टर्नाइजेशन. हमें अपना कल्चर को ही ज़्यादा प्रिवेलेंट रखना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं. इसी वजह से वो लोग हमें ओवर पावर कर जाते हैं. इसके बाद वाइल इट इज़ नॉट ऑलवेज द नेगेटिव एज, मतलब हमेशा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा नेगेटिव ही नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं. जैसे कि अब मान लीजिए बर्गर अगर पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, तो ये कोई मसाला डोसा पे थ्रेट तो नहीं है ना. मतलब मसाला डोसा भी आप उतने ही अच्छे से खाएंगे, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. बर्गर की अलग सिग्निफिकेंस है, मसाला डोसा की अलग है, और इवन आपको चॉइस मिल गई दोनों में, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है. इसके बाद नो द एज द बर्गर पोजेस नो थ्रेट टू द डोसा, इट ओनली एड अप द वेराइटी. सेम अगर हम ब्लू जीन्स की बात करें, तो ब्लू जीन्स इंडिया में अब पहनी जाने लग रही है, तो वो लोग खादी कुर्ते के साथ भी पहनते हैं, तो उससे भी आपके पास कपड़ों में वेराइटी बढ़ जाती है. धोती कुर्ता हम हमेशा नहीं पहन सकते, तो हम जीन्स भी पहन सकते हैं, तो इससे भी ये भी एक पॉजिटिव आउटकम है. मीन्स हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हमने दोनों ही एस्पेक्ट की बात कर ली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो एंशिएंट वर्ल्ड से ही इंडिया एक ग्लोबलाइज कंट्री बन गया था. हम देखते हैं कि इंडिया में कितने ही रूलर्स रहे, उन्होंने अपनी कैपिटल्स कितनी बार चेंज करी, कैपिटल्स के अलावा उन्होंने गुड्स कितने सारे कंट्री से इम्पोर्ट करे और एक्सपोर्ट करे, उन्होंने कितने सारे पोएट्स इम्पोर्ट करे अपनी कंट्री के लिए.
सो ये सब क्या हमें इशारा करता है, ये हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ इशारा करता है कि कितने सारे वो लोग सूफी सेंट्स को बुलाते थे अपनी कंट्रीज में और उनको पैट्रोनेज या अपनी रिस्पेक्ट शो करते थे। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमें इशारा करता है। तो फ्लोज पर्टेनिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल कमोडिटी आइडियाज एंड पीपल गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन द इंडियन हिस्ट्री। अगर हम सेवरल सेंचुरीज पहले हिस्ट्री की बात करें तो ये सब चीज़ें लाइक कमोडिटी आइडियाज एंड पीपल वर शोन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और जब कॉलोनियल पीरियड था, मीनिंग द पीरियड इन विच द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया, मीन्स जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तभी भी ग्लोबलाइजेशन हम लोग अडॉप्ट कर रखा था। बट क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में था तो हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल बना के भेजते थे और फिनिश्ड गुड्स हम लोग कंज्यूम करते थे। तो आप हमारी फूलिशनेस देख रहे हैं कि हम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमने लोहा सप्लाई किया तो उसके बदले में उन्होंने साइकिल बनाकर हम ही को बेच दी और हमने उसे ख़रीदा, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा। प्रॉफिट कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स का हुआ। तो ये उस समय पे प्रिविलेंट था। फिर जब हम में अकल आई, जब इंडियंस और ज़्यादा जागरूक हुए लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन, तो क्या हुआ, हमने कहा कि हम अपने रॉ मटेरियल हमारे पास है ही, हम फिनिश गुड्स बनाने की टेक्निक सीख लेते हैं और स्किल सीख लेते हैं, इसके बाद हम खुद कंज्यूम भी करेंगे और दूसरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड जो मेजर चेंज आया इंडिया के ग्लोबलाइजेशन में, वो 1991 में आया। अगर आपने पार्ट वन के इंट्रोडक्शन आपको रिमेंबर हो तो मैंने बताया था कि 1991 में LQP मीन्स हमारा जो पहले पॉलिसी थी वो कोटा एंड परमिट्स की थी, बट अब वो हो गई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद मेजरली इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया टू मीट द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो इन 1991, रिस्पॉन्डिंग टू द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द डिज़ायर फॉर हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया एम्बार्क्ड द इकोनॉमिक प्रोग्राम थ्रू LPG, और इंडिया एक ग्लोबलाइज कंट्री हो गई आफ्टर 1991। सो ये इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? मीन्स रोकना, कंस्ट्रेन करना। तो ग्लोबलाइजेशन को रोकने का क्या मतलब होगा? जब ग्लोबलाइजेशन इतना सारा लोगों को अपग्रेड कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, कल्चर इन्हांस कर रहा है, तो इसको रोकने की ज़रूरत क्या होगी? तो लोगों का ये मानना था कि जो डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपना कल्चर इम्पोज कराना चाहती हैं वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कल्चर बन जाएगा जब पूरे वर्ल्ड का, तो उन्हीं का कल्चर प्रिवेलेंट रहेगा और हम सब अपने जो ऑथेंटिसिटी है, जो हमारा कल्चर है, उस सबको भूल जाएंगे। तो इस वजह से लोग प्रोटेस्ट करते थे और इसके अगेंस्ट में भी कई बार लोगों को देखते हुए पाया गया। सो क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेफ्ट एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। तो ऐसा फेज सामने लाया गया बाय क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मीन्स जो ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करते थे अक्रॉस द वर्ल्ड में, वो एक ऐसा फेज सामने लेके आए ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें कि देखने को मिला कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ हैं वही पूरे वर्ल्ड को चला रही हैं और ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा उन्हीं को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो और ज़्यादा रिच होती जा रही हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा पुअर होती जा रही हैं। इसके बाद एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स वर इनिशिएटेड, और ये देखते हुए ही एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। भाई कोई क्यों नहीं चाहेगा कि ग्लोबलाइजेशन ना हो जब सबको फ़ायदा हो रहा है, बट जब सबको फ़ायदा नहीं हो रहा है तब तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद इन 1999 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्रियल मीटिंग वेयर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सेटल एलिजिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मीटिंग आई, उसमें ये रिजल्ट सामने आया कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं, और इकोनॉमिकली क्या कहते हैं, पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो स्टेट्स हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ द स्टेट्स को दबाते हैं और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपना ही वेलफेयर देखते हैं। इसके बाद
they were also alleged to unfair trade practices. Means वो trade practices भी unfair करते थे. Means जिस जगह मान लीजिए export करने का 10 रुपये लेना चाहिए वो 15 रुपये लेते थे, क्योंकि वो लोग दूसरे लोगों को समझते थे इनके पास knowledge नहीं है और actually में नहीं होती थी दूसरी countries के पास, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए unfair trade practice करते थे. और इसी का result था World Social Forum. मीन्स वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसमें सारे लोग एक साथ आए. कौन कौन लोग? द कोलिजन कंपोज ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट, ये सारे एक साथ आए. इन्होंने मीटिंग जॉइंट हेल्ड करी और इन्होंने ये पाया कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं अगेंस्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्रीज वो ना हो सकें और सबको इक्वल राइट्स मिले, या फिर ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया जाए. सिंपल एज दैट, कि या तो ग्लोबलाइजेशन से सबका फ़ायदा हो या तो ग्लोबलाइजेशन को हटा दिया जाए, हम सब अपने अपने कल्चर और ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करें. तो ये इसका बेसिक मोटो था, टू दे अपोज न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन. न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन मतलब जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे या जो नए नए तकनीकी चेंजेस आ रहे थे पूरे वर्ल्ड में, वो या तो ना हो और या तो सबके भले के लिए हो. तो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, मींस ग्लोबलाइजेशन को रोकने के जो प्रैक्टिसेस सामने आए. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. तो इंडिया में प्रोटेस्ट आया सबसे पहले वो लेफ्ट विंग के लोगों के थ्रू आया. मींस लेफ्ट के लोग क्या चाहते हैं? मोर इक्वल एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी, मींस सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे. बट यहाँ पे इन्होंने देखा जबकि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो इन्होंने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया. एंड नॉट ओनली लेफ्ट विंग बट ऑल्सो मैनी सोशल फोरम्स, बहुत सारी सोशल फोरम्स में इसे ज्वाइन किया. फॉर एग्जाम्पल सोशल फोरम, इन्होंने इनको ज्वाइन किया. और सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो केम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट. ये पॉलिटिकल राइट के थ्रू भी आया. कैसे? मींस जो हम टीवी चैनल्स देखते हैं उसमें क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट किया जाता है, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, ईस्टर बनी हो. ये सब डेज इंडिया में तो सेलिब्रेट किए नहीं जाते, बट अब कर रहे हैं हम लोग. क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इसलिए इसको अपोज करा जा रहा था इंडियंस के द्वारा. और इसके बाद इनका टीवी चैनल्स भी हम देखते हैं फॉरेन में, कितने टीवी चैनल्स इंडिया में चलते हैं जो कि वैलेंटाइंस डे और वेस्टर्न जो ड्रेसअप है उसको प्रमोट करते हैं. सो इसी का रिजल्ट है कि हमारी मैंटेलिटी होगी कि डेवलपमेंट का मतलब है कि वेस्टर्नाइजेशन. सो इसीलिए इसको अपोज किया जा रहा था. तो ये हमारा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी हमने जान लिया. अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इस चैप्टर में, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और गाइस चलिए अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स. गाइस हेयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स. सबसे पहले तो डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपका जनरली आ ही जाता है 2 मार्क्स में या फिर फर्दर ज़्यादा मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन घुमा फिरा के. इसके बाद डिफाइन द नीड फॉर रिजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, मींस ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो ये आपको बताना है. थर्ड है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, मीन्स इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताना है. फोर्थ डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड लास्ट एल्यूसिडेट द नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. आप इससे COVID-19 से भी रिलेट कर सकते हैं. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. सो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़.